गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है ना? कल का काम आप लोगों ने कर लिया? हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने किया होगा काम। आज हम फिर आपको वही दो अक्षर का मेल लेके आए हैं, लेकिन आज के चित्र कुछ अलग हैं। ठीक है, कल हमने कौन कौन सा पढ़ा था? घर पढ़ाया था, और क्या पढ़ाया था आपने देखा होगा ना उसमें कौन कौन सा? नथ था, इसी तरह से कई शब्द थे, फल थे, है ना, फल था। और इसके बाद आज हम पढ़ेंगे ये कौन सा चित्र है? टक। अब टक में हमारे मुंह से कौन सा उच्चारण निकल रहा है बोल के देखेंगे। ट ब, तो ये ट, ये है ट, ये देखिए, और ब, ये ब। तो अभी तो ये अलग अलग है, फिर जोड़ देंगे। अभी यहाँ पे ये अलग अलग लिखे हैं, लेकिन प्लस का मतलब क्या होता है? जोड़ के लिखना। अभी ये देखिए, ये ट, ये ब, अगर अलग अलग रहेंगे तो इसको अलग ही अलग बोलेंगे, ट और ब, लेकिन जब एक साथ जोड़ देंगे तब क्या हो जाएगा? ट ब टब। तो हमें यहाँ पे जोड़ के लिखना है, ट ब बराबर यहाँ पे ट ब टब, बीच में फिर प्लस नहीं लगाएंगे। ठीक है, टाबा टब। फिर ये क्या बना है? हल। ये क्या बना है? हल आप लोगों ने देखा, खेत जोतते हैं, इससे खेती होती है, और ये है हल। जो लोग गांव में रहते हैं, गांव में जाते होंगे कभी, तो देखते होंगे किसान खेत जोतता है, फिर फल वो फसल बोता है ना, तो ये है हल, इससे खेत जोता जाता है। तो हल में देखिए कौन कौन से अक्षर हमारे मुंह से निकले, अपना मुंह से बोल के देखो। हा, तो ये हा है, और ये ला, हल है। यहाँ पे हमने हा बनाया, हा प्लस ला। ठीक है, अब अभी तो ये दोनों अलग हैं, लेकिन जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हा ला हल। यहाँ हा लिखा, फिर ला लिखा, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा? हा ला हल। अब ये चित्र पहचानिए, ये क्या है? ये कप है। तो क्या, कैसे, कौन सा अक्षर बोल रहा है हमारे मुंह से? कप। यहाँ पे का लिखा प्लस